अभी हम बात करने वाले हैं विराट कोहली की लाइफ की एक ऐसी स्टेज के बारे में जहां पर विराट कोहली जो है किंग कोहली बन गए, यानी आज पूरे हिंदुस्तान में उनको किंग कोहली के नाम से जाना जाता है। और बहुत ही ज़बरदस्त प्लेयर है, इंडिया के लिए बहुत सारे रन बनाए, बहुत बार हमारे चेहरे पर मुस्कान देने के लिए वो क्रिकेट उन्होंने खेली है जो एक क्रिकेटर को खेलना चाहिए। तो विराट कोहली इज़ अ लेजेंड, वो लेजेंड हैं यार। उनके बारे में कोई भी बात बोलने से पहले हमें 10 बार सोचना चाहिए। अभी हालांकि फॉर्म नहीं है, तो हर व्यक्ति की लाइफ में अप्स एंड डाउन चलता रहता है। अभी फॉर्म में नहीं है, लेकिन आने वाले वर्ल्ड कप में हम चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द फॉर्म में आ जाए और बेहतरीन तरीके से क्रिकेट खेले और इंडिया को वर्ल्ड कप भी जिताए। लेकिन आज मैं बात करने वाला हूँ उनकी लाइफ के उस स्टेज के बारे में जिसने विराट को विराट कोहली किंग कोहली बना दिया। दोस्तों ये बात है उस मैच की, दिल्ली और कर्नाटक के मैच की, रणजी ट्रॉफी का मैच था और वहाँ पर बंदा 46 पर नॉट आउट हो गया आता और उसको पता चलता है कि उसके पिताजी एक्सपायर हो गए। अब यहाँ पर जो प्रकृति है ना खेल खेलती है, यहाँ पर बहुत बड़ी परीक्षा होती है उनकी और यहाँ पर उनको डिसीजन लेना होता है कि वो क्या करेंगे। वो घर जाएंगे, उनके माँ का फ़ोन आता है कि पिताजी एक्सपायर हो गए, उनको घर आना है। वो बंदा सोच में पड़ जाता है कि क्या करना है। वो अपने कोच को फ़ोन लगाता है, राजकुमार शर्मा को, जो कि उस समय सिडनी में होते हैं। वो बोलते हैं क्या करना है सर, और उनके गुरु एक ही बात उनको बताते हैं कि विराट जो होना है वो तो हो गया, अभी तेरे सामने तेरा करियर है, तेरा भविष्य है, तेरा फ्यूचर है और तुझे अपनी टीम को मैच जिताना है और बाकी तेरे ऊपर है, तुझे क्या करना है। अब आपको यहाँ पर लग रहा है ये मजाक हो रहा है, क्या मजाक नहीं हो रहा है दोस्तों, ये बहुत बड़ी स्टेज है। यहाँ पर प्रकृति की समस्याओं को लात रख कर विराट कोहली आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर वो डिसीजन लेते हैं कि वो अपनी टीम के साथ मैच खेलेंगे। दूसरे दिन मैच खेलते हैं, 96 पे नट आउट होते हैं, अपनी टीम को जिताते हैं। उसके बाद वो घर जाते हैं, घर जाने के बाद अपने पिता का दाह संस्कार करते हैं। और ये अब छोटा मोटा इंसिडेंस नहीं है दोस्तों, ये बहुत बड़ा इंसिडेंस है। हर व्यक्ति की लाइफ में ये पॉइंट आता है। यहाँ पर हमें विराट कोहली से बहुत कुछ सीखने का मौका है, हर व्यक्ति को बहुत कुछ सीखने का मौका है, एक अपने आप के अंदर मोटिवेशन जगाने का मौका है अपने काम के प्रति, अपने प्रोफेशन के प्रति, कि व्यक्ति को किस हद तक जा सकता है। आज विराट कोहली के पास नेम है, फेम है, पैसे है, इन सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो कीमत उसने चुकाई है, क्या हम वो कीमत अपनी लाइफ में चुकाते हैं? क्या नहीं चुकाते। छोटी सी प्रॉब्लम्स होने पर हम लोग गिव अप करते हैं, हम लोग बैठ जाते हैं, हम लोग छोड़ देते हैं। हमारे लिए फैमिली इंपॉर्टेंट, हमारे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि फैमिली इंपॉर्टेंट होना चाहिए यार, लेकिन विराट आज जिस पोजीशन पे है, जो नाम है उसका, उसने उसके लिए कीमत चुकाई है। बस ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। बाकी हम अपनी लाइफ को कैसे जिएंगे, मैं अपनी लाइफ को कैसे, आप कैसे अपनी लाइफ को जियोगे, ये तो हमारा खुद का डिसीजन है। क्योंकि राजकुमार शर्मा ने भी बोला था कि विराट तुझे क्या करना है, ये तेरा डिसीजन है, लेकिन जो होना है यार वो हो चुका है, अब तुझे क्या करना है ये तुझे डिसीजन लेना है। और उस मैच ने विराट को किंग कोहली बना दिया। अभी हम लोग सब चाहते हैं कि जल्द से जल्द विराट की फॉर्म वापस आए और इंडिया के लिए वर्ल्ड कप खेले, वर्ल्ड कप खेलने के बाद वो इंडिया को वर्ल्ड कप जिताए और बेहतरीन खिलाड़ी है। कई बार हमारे चेहरे पर मुस्कान लाने का काम विराट कोहली ने किया और एक बेहतरीन खिलाड़ी है, लेजेंड है, और ईश्वर से प्रार्थना है वो जल्द से जल्द फॉर्म में आए और इंडिया के लिए बेहतरीन क्रिकेट खेले। लेकिन जो स्टोरी आज मैंने विराट की आपको लोगों को बताई है, वहाँ से दोस्तों बहुत कुछ सीखने का मौका है, क्योंकि आज विराट जिस पोजीशन पे हैं इसके लिए उन्होंने कीमत चुकाई है। यदि हम कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं तो हम भी अपने प्रोफेशन में वहाँ जा सकते हैं जहाँ हम सोच रहे हैं। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो सक्सेस। थैंक यू।